दोस्तों सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M40 को स्नैपड्रैगन 675 के प्रोसेसर के साथ मिड रेंज प्राइस रेंज में लॉन्च किया है। आपको इसी मिड रेंज बजट में सेम प्रोसेसर के साथ Redmi Note 7 Pro भी मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों फ़ोन यानी सैमसंग गैलेक्सी M40 और Redmi Note 7 Pro के साथ कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन मिड रेंज बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है जो कि स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको कर्ड पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलता है जो कि ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है। रियर पैनल पे आपको वर्टिकली ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है जिसपे आपको बेजल बहुत ही कम देखने मिलते हैं। डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। Redmi Note 7 Pro में आपको ग्लास बैक डिजाइन मिलता है जो कि ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आता है। फ्रंट और रियर पैनल पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। Redmi Note 7 Pro में आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डॉट नॉच डिस्प्ले मिलता है। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में Redmi Note 7 Pro बेहतर है, वही डिस्प्ले जो है Samsung Galaxy M40 का अच्छा है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M40 और Redmi Note 7 Pro दोनों फ़ोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलते हैं जो कि है Snapdragon 675 का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर मिड रेंज प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और दोनों फ़ोन में आपको Android Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। लेकिन सैमसंग में आपको वन UI मिलता है जिसमें आपको कम ब्लोटवेयर और एड्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर Xiaomi के MIUI 10 से। सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है एपर्चर f1.7 के साथ। तो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। रियर कैमरे में आपको PDF, HDR, पोर्ट्रेट मोड के साथ स्लो मोशन और हाइपरलैप्स वीडियो फीचर भी मिलते हैं। वही 16 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है एपर्चर f2.0 के साथ। Redmi Note 7 Pro में आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है लेकिन 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है जिसमें आपको सोनी का फ्लैगशिप सेंसर IMX586 मिलता है। तो आपको इसमें 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी डेप्थ सेंसर मिलता है। रियर कैमरे में आपको PDF, HDR, EIS के साथ नाइट मोड और AI फीचर भी मिलते हैं। वही फ़ोन में आपको 13 मेगापिक्सल का AI फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro में आपको बेहतर कैमरा सेटअप मिलते हैं एज कम्पेयर सैमसंग के गैलेक्सी M40 से। सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको 3500 mAh की बैटरी दी गई है जिसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट के साथ फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है। Redmi Note 7 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है जिसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट के साथ फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है। सैमसंग गैलेक्सी M40 के 6GB रैम 128GB रोम वाले वेरियंट का प्राइस रखा गया है 20,000 रुपीज़ जो कि आपको Amazon और सैमसंग के वेबसाइट पे 18 जून से मिलेगा। Redmi Note 7 Pro के 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरियंट का प्राइस रखा गया है 14,000 रुपीज़। तो 6GB रैम 128GB रोम वाले वेरियंट का प्राइस रखा गया है 17,000 रुपीज़ जो कि आपको Flipkart और Xiaomi के वेबसाइट पे मिलेगा। तो दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको अट्रैक्टिव पंच होल डिस्प्ले के साथ ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप, स्लिक डिज़ाइन और क्लीनर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। वही Redmi Note 7 Pro में आपको प्रीमियम ग्लास बैक डिज़ाइन के साथ 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 4000 mAh की बैटरी दी गई है। और मेन और ख़ास बात यह है कि Redmi Note 7 Pro आपको कम प्राइस रेंज में मिलता है एज कम्पेयर सैमसंग गैलेक्सी M40। तो दोस्तों मेरा सजेशन रहेगा Redmi Note 7 Pro। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा है आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ADTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय फ्रेंड्स। We'll be right back.